सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 154 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कमल किसका पर्यायवाची शब्द है, यानी कि कमल का पर्यायवाची बताना क्या होगा। ऑप्शन में दिया है पुष्प, सरोज, तोय, मधु। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोज। सरोज ये कमल का पर्यायवाची है। इसके अलावा कमल का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है उसे भी आप देख लीजिए। राजीव पूछेगा, राजीव किसका पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा राजीव हो गया, कमल हो गया, सरोज हो गया, अरविंद हो गया, क्या अरविंद हो गया। इसके अलावा और क्या होता, अंबुज होता है क्या, अंबुज, अंबुज, ये सब कमल का पर्यायवाची है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो पुष्प दिया है, पुष्प का पर्यायवाची क्या क्या होता, पुष्प का पर्यायवाची सुमन होता है, क्या होता है, सुमन होता है। इसके अलावा क्या होता, कुसुम होता है, क्या होता है, कुसुम, सुमन, ये सभी पुष्प का पर्यायवाची है। सरोज का बता दिए, कमल, राजीव, अरविंद, अंबुज, तोय, ये तोय किसका पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा तोय ये जल का है, किसका है, जल बोलिए, पानी बोलिए, फिर उसके बाद नीर बोलिए, क्या नीर, ये सभी जल का पर्यायवाची है। अब मधु किसका है, तो मधु ये बात आप सभी को पता ही होगा शहद का है, किसका है, तो मधु शहद का पर्यायवाची है, याद रखिएगा शहद बोलिए या रसा बोलिए। तो हम सबका पर्यायवाची बता दिए, आप सबको याद रखिएगा। तो आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निशाचर का समास विग्रह क्या होगा, किसका, निशाचर का समास जो है, समास के कितने भेद है, समास के 6 भेद है, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ जो निशाचर दिया है इसका आपको समास विग्रह करना है, क्या करना, समास विग्रह। ऑप्शन में दिया है निशा को विचरण करने वाला को निशाचर बोलेंगे, या निशा में विचरण करने वाला, निशा से विचरण करने वाला, निशा के लिए विचरण करने वाला। तो बता दे निशाचर का समास विग्रह कीजिएगा ना, तो हो जाएगा निशा में विचरण करने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निशा में विचरण करने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, निशाचर, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है निशाचर का समास विग्रह क्या होता है, निशा में विचरण करने वाला। नेक्स्ट है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गणेश, तो बता दे गणेश का जो संधि विच्छेद होगा गण धन ईश, गण धन ईश क्या हो जाएगा, गणेश, यानी गण जोड़ ईश गणेश हो जाएगा। तो गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा गण धन ईश, क्या होगा, गणे प्लस स ई नहीं होगा, गण धन एस नहीं होगा, गणे धन स ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गण धन ईश हो जाएगा गणेश, इसमें दुर्गा ही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक पंत दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी एक पंत दो काज, उस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन में दिया है एक काम से तिहरा लाभ, एक काम से एक हानि, एक प्रयास में सिर्फ एक ही काम होना, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, उसे हम बोलेंगे एक पंत से दो काज, ना एक तीर से दो निशाना, एक पंत यानी एक काम कर रहा उसके साथ साथ दूसरा काम भी हो गया, उससे फायदा हुआ ना, एक काम करते करते दूसरा काम भी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पन दो काज का मतलब हुआ कि एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में दिए है मे किस कारक का चिन्ह है, किस कारक की विभक्तियाँ हैं, कारक के कितने भेद, 8 भेद, 8 भेद का आप चिन्ह विभक्ति याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया मे किस कारक के चिन्ह है, ऑप्शन में दिया तत्पुरुष, तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, मतलब कारक पूछा गया, यहाँ पे हम ऑप्शन क्या दिए हैं, समास का ऑप्शन दे दिए, रुकिए 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 रुकिए, यहाँ कारक का मतलब क्वेश्चन है ना, यहाँ तत्पुरुष की जगह क्या कीजिए, आप कर्ता कर दीजिए, क्या कीजिए, कर्ता कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, यहाँ कर्ता ले दीजिए, ठीक है। कर्ता का चिन्ह होता है, संबंध का चिन्ह क्या होता है, का के की होता है संबंध का चिन्ह, संप्रदान का क्या होता है, को के लिए, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, मे या पर, क्या होता है, मे या पर। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मे किस कारक के चिन्ह है, तो मे है किसका, अधिकरण का, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता का चिन्ह बता दिए, संबंध का के की,
संप्रदान का को के लिए अधिकरण का चिन्ह मे पर, तो यहाँ पे मे पूछा गया था, जिसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, अधिकरण कारक। अगर पर भी पूछता तो पर भी अधिकरण कारक का ही चिन्ह है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग नहीं है का मतलब क्या हुआ, स्त्रीलिंग है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुत्र ये पुल्लिंग है, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुत्री, तो ये पुल्लिंग है। माँ बैल, बैल पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गाय। शेर भी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शेरनी, क्या हो जाएगा, शेरनी। एक ही वर्ड है जो माँ, ये मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माँ। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया था, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है का मतलब क्या हुआ, स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग एक ही शब्द है माँ, ठीक है। माँ का क्या हो जाएगा, जब लिंग बदलेगा तो पिता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र भी पुल्लिंग था जिसका स्त्रीलिंग पुत्री बता दिए, बैल पुल्लिंग है इसका स्त्रीलिंग गाय होता है, सिर पुल्लिंग था इसका स्त्रीलिंग शेरनी होता है, बाकी माँ यहाँ पे स्त्रीलिंग था, स्त्रीलिंग ही आपको चुनना था, इसका लिंग बदलेगा तो पिता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शब्द में द्वंद्व समास है, समास के छह भेद, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास बोलते हैं, समास के कितने भेद, छह भेद हैं, आपको बताना है द्वंद्व समास इनमें से कौन सा है। पाप पुण्य, रसोई घर, नवरात्र, महापुरुष, बताना है द्वंद्व समास। देखिए महापुरुष, इसका जब विग्रह कीजिएगा तो क्या बने, कैसे विग्रह कीजिएगा, तो महान, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, उसे क्या बोलिएगा, महापुरुष। और ये कौन सा समास है जो आ गया, तो समझ लीजिए कर्मधारय समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। नवरात्र, नवरात्र नौ रात्रियों का समूह, नौ रात्रियों, नौ रात्रियों का समूह, उसे बोलेंगे नवरात्र। यहाँ पे देखिए नौ आ गया, यानी शुरू में अगर अंक आ जाएगा, कोई भी नंबर आ जाएगा, तो समझ लिया कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, कौन सा समास, द्विगु, अठन्नी चवन्नी त्रिभुज चतुर्भुज, समय तीन चार दो आठ 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 आता है ना, यानी कि संख्या नंबर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा द्विगु समास है। उसके बाद रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, रसोई, रसोई के लिए घर हो जाएगा, रसोई के लिए घर हो जाएगा, रसोई घर, ये तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाप पुण्य। इसका विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है। तो पाप और पुण्य कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, आपको द्वंद्व समास ही चुनना था। इसके अलावा सुख दुख पूछेगा, जिसमें हैफन लगल रहेगा, सुख दुख, तो ये भी द्वंद्व है। पाप पुण्य ये भी द्वंद्व है, माता पिता ये भी द्वंद्व है, उतार चढ़ाव ये भी द्वंद्व है, जीजाशाली ये भी द्वंद्व है, पेड़ पौधा ये भी द्वंद्व है, ठीक है। ऐसे सारे वर्ड द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि अपने देश से प्यार करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो अपने देश से प्यार करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में दिया है स्वयंसेवक, देशभक्त, स्वार्थी, स्वावलंबी, तो इसका तो आंसर बता दे, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अपने देश से प्रेम करता है उसे बोलेंगे देशभक्त, क्या, देशभक्त बोलेंगे, आसान था। इसके अलावा जो है ऑप्शन में उसे भी देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है क्या, स्वार्थी, स्वार्थी का मतलब क्या होता है कि अपना हित चाहने वाला, जो केवल अपना हित चाहता है, यानी कि केवल अपना हित चाहता है, जो केवल अपना हित चाहता है, अपना हित चाहने वाला, अपना हित चाहने वाला को बोलेंगे स्वार्थी। स्वयं सेवक किसे बोलेंगे, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से दूसरों का सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों का सेवा, दूसरों का सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों का सेवा करने वाला बोलेंगे हम क्या, स्वयं सेवक। देशभक्त जो अपने देश से प्यार करता है, स्वार्थी जो केवल अपना हित चाहता है, और स्वावलंबी किसे बोलेंगे, अपने बल पर काम करने वाला, स्वावलंबी भी देख लीजिए, ठीक है, अपने, अपने बल पर काम करने वाला, काम करने वाला उसे बोलेंगे स्वावलंबी, जो अपने पैर पर खड़ा है, ठीक है, उसे स्वावलंबी बोलेंगे। जो अपना केवल हित चाहता है स्वार्थी बोलेंगे, जो देश से प्रेम करता है देशभक्त बोलेंगे, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला को बोलेंगे स्वयं सेवक। तो चारों वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से संबंधित प्रश्न थे। प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा आपको, शुद्ध वाक्य का चयन करना पड़ेगा, कभी कभी अशुद्ध वाक्य का भी चयन करना पड़ेगा, इसमें बताना चारों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस शुद्ध है, ठीक है, सही है। ऑप्शन ए में दिया मैं दूध नहीं पिया, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा, मैं दूध नहीं पिया ये नहीं होगा, हम दूध नहीं पिया ये तो होगा नहीं, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, दोनों होगा तो ये दोनों में। आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ भी सेम है, मैंने यहाँ भी है, दूध यहाँ भी, दूध यहाँ भी, नहीं यहाँ भी, नहीं यहाँ भी, यहाँ पे आपको
कंफ्यूज करना मतलब होगा कि यहाँ पिया कैसे होगा, पिया कैसे होगा, हर्षे वाला पिया ऐसे होगा कि दुर्घे वाला ऐसे होगा, तो ये दुर्घे वाला नहीं होगा, तो दुर्घे वाला तो होगा नहीं, हर्षे वाला होगा पिया, तो याद रखिएगा यहाँ पे दुर्घे वाला या ये वाला नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंने दूध नहीं पिया, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसके अलावा जो दिया था हम दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, इसमें तो दुर्घे ही है तो उसे गलत हो जाएगा, यहाँ हम वाला तो उसे गलत हो गया, मैं दूध नहीं पिया यहाँ नहीं होगा, मैंने होगा, मैंने मैंने होगा, मैंने दूध नहीं पिया, ये वाक्य सही है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि दिए गए डूबता जो है डूबता शब्द, इसमें आपको प्रत्यय बताना, प्रत्यय बता दे, प्रत्यय अंत में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो अंत में क्या आया डूबता, ता आया, अन होगा नहीं होगा, यह होगा नहीं होगा, ना होगा नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ता, डूबता में इसे लिखते हैं ना डूबता, लास्ट में क्या आया ता, तो ये ता प्रत्यय, डूबता में कौन सा प्रत्यय है ता प्रत्यय है, अब प्रत्यय अंत में लग के शब्द का अर्थ बदल देता है, उपसर्ग पहले लग के शब्द का अर्थ बदल देता है, मतलब सेंटेंस का। नेक्स्ट है कि परी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, इस शब्द का आंसर को आप लोग को कहाँ देना है पता है, कमेंट बॉक्स में, हम प्रत्यय बता दिए, अब आपको बताना उपसर्ग किसमें परी उपसर्ग है, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, सबको परी उपसर्ग से बना शब्द, परलोक होगा, परिहास होगा, पुरस्कृत होगा, पौराणिक होगा, किसमें परी है यानी उपसर्ग आपको बताना जो पहले लगता है, जो भी इसका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में देना। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को बता दिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।